हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, जहाँ मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा धनिया और टमाटर है, लहसुन है और हरी मिर्च है। तो ये हो गई हमारी चटनी बनके तैयार। और इसी के साथ मैं आज बनाने वाली हूँ मिर्ची वड़ा। ये ना एक राजस्थान की डिश है, बहुत टेस्टी डिश है। मैंने यहाँ पर 7-8 आलू ले लिए हैं बॉयल करके, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हल्की सी ना लाल मिर्च भी डाली है मैंने, मतलब ठीक सी लाल मिर्च डाली है। और इन सबको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ, मतलब एक फाइन सा आपको जैसे पिट्ठी बनाते हैं आलू की, उस तरह का पेस्ट बनाना है। और इसमें मैं ऐड करूँगी अब थोड़ा सा नींबू, क्योंकि टैंगी टेस्ट जब तक नहीं आएगा तब तक इस डिश में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। तो बस इसमें मैंने मतलब हाफ से थोड़ा सा कम, अगर बड़ा नींबू है, जूसी नींबू ना, तो हाफ से थोड़ा सा कम, वरना हाफ नींबू चल जाएगा। और ना बेसिकली आपकी डिपेंड करता है क्वान्टिटी पर, आप कितनी क्वान्टिटी ले रहे हैं। तो मेरी पिट्ठी बनके तैयार हो गई। अभी मैंने यहाँ पर ले लिया है एक डिब्बे में बेसन ले लिया है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है उसमें, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी। इसके बाद मैं ना हल्से हल्का हल्का सा पानी लेके ना इसे मिक्स करती रहूँगी। एक साथ ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको, वरना इसका बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड वाला पेस्ट बन जाएगा। हमें जो इसका पेस्ट रखना है ना, थोड़ा सा थिक रखना है, और इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पूरा चलाते रहना, ताकि इसके जो लम्स है ना वो सब निकल जाए। लम्स नहीं होने चाहिए इसमें बिल्कुल भी बेसन के। थोड़ा थोड़ा पानी लेके ना आपको इसे मिक्स करना है बहुत अच्छे से। जब लगे कि आपको पानी और डालना है, तब आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते चलिए। और इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, क्योंकि हमें ना इसमें जो वड़ा है उसमें डिप करना है। तो अगर जब से अच्छी कोटिंग नहीं रहेगी बेसन की, तो मज़ा नहीं आएगा। आप ज़्यादा इसे पतला कर लोगे ना, तो बहुत ही पतली सी कोटिंग आएगी। कोटिंग बहुत अच्छी रहनी चाहिए बेसन की, तभी ना थोड़ा सा क्रिस्पी होगा, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ना मेरा बेसन का जो पेस्ट है ना वो तैयार हो गया। आप देख सकते हो ना, थोड़ा सा गाढ़ा ही है पेस्ट, मतलब बिल्कुल भी पतला सा पेस्ट नहीं है। तो ये पेस्ट मैंने बिल्कुल बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं लेने जा रही हूँ ये जो मिर्चियाँ होती हैं, और ये वाली जो मिर्ची होती है ना, ये बारिश के सीज़न के बाद आना स्टार्ट हो जाती है विंटर्स में। जैसे कि अभी जो मिर्ची आ रही है ना, वो थोड़ी सी स्पाइसी आ रही है, बट आने वाले टाइम में विंटर्स में ना बिल्कुल स्पाइसी मिर्ची नहीं होती है। इसको हमें बीच में से एक जगह से डिवाइड करना है, मतलब जैसे कि आप भरमा कोई चीज़ बनाते हो ना, उसे हम कट कर लेते हैं उसे एक पीस में, सिंपल वैसे कट करना है। और जैसे हम भरमा में फिलिंग करते हैं, हमको इस पिट्ठी को ना आलू के अंदर फिलिंग करना है, और पिट्ठी को ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है यार आपको, बहुत अच्छे से, मतलब आलू का ना मोटा मोटा कोई पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। अब इस पिट्ठी को लेके हम मिर्ची के अंदर फिल करेंगे, जितनी हम फिल कर सकते हैं टाइटली, इस तरीके से। आप देख ही सकते हो यार, मतलब आप जैसे भरमा कोई चीज़ फिल करते हैं ना, हम वैसे भरमा बैगन या कोई भी चीज़ फिल करते हैं ना, उस तरीके से फिल कर सकते हैं। और जब ये अंदर फिल हो जाएगी ना, तो हमें एक मोटी सी लेयर, मतलब बिल्कुल पतली सी भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, एक मीडियम साइज़ की ना लेयर लेनी है हमको, और वो मिर्ची के ऊपर लगानी है इस तरीके से। आप देख सकते हो, मतलब अच्छी खासी लेयर है यार, क्योंकि इसमें ना स्पाइसी भी नहीं लगता और थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है। हमको ना उसे सेट करना है पूरी मिर्ची पर टाइटली, ताकि वो कढ़ाई में जाके फटे ना, वो सब ना हो। तो आपको ना इसे सेट करना है, और जो इसकी डंडी है वो आपको नहीं निकालनी है मिर्ची की, मिर्ची की डंडी को आपको एज इट इज़ रखना है। और इस तरीके से आप सेट करके रख लीजिए अपने जितनी भी मिर्ची आपको भरनी है। और पता है वैसे ना, ये अगर जैसे कि ये तीन तो बिल्कुल मोर देन इनफ रहते हैं किसी के लिए, दो अच्छा खासा है, हैवी हो जाता है, तीन तो मोर देन इनफ हो जाते हैं। तो आपने एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना यार डिश को, मतलब सीरियसली इतनी फेवरेट डिश है नहीं मेरी, बहुत ज़्यादा, और मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत सिंपल और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, कि मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ यार ये कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस मैं सारी मिर्चियों को एक बार फिल करके रख लूँगी, मतलब आप तीन तीन चार चार मिर्चियों को फिल कर लीजिए, उसके बाद आप इसे सेकना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये ना थोड़ा सा टाइम लेता है सेकने में। तो मैं यहाँ पे तीन चार मिर्ची को फिल कर लूँगी पहले, और उसके बाद मैं उसे करूँगी सेकना स्टार्ट। बहुत टेस्टी लगने वाली है ये, मुझे तो ना अभी भी एडिटिंग करते टाइम याद आ रहा है इसका टेस्ट, इतना टेस्टी था। आप लोगों में से अगर किसी ने ये खाया है ना, तो प्लीज़ मुझे बताना यार, क्योंकि अगर नहीं खाया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इसे एक बार ट्राई करना सीरियसली, मतलब ऐसा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से इस चीज़ की कर रही हूँ, ट्राई ज़रूर करना यार, इतना टेस्टी लगता है ना ये, इतना टेस्टी लगता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और मैं यार यहाँ पे ना कटिंग मेरी मिस हो गई, क्योंकि मैंने इसे किया है बेसन में डिप, और डिप करने के बाद मैंने इसे डायरेक्टली डाल दिया है कढ़ाई में, वो मैं आपको ना आगे दिखा दूँगी। इस तरीके से मैंने डिप करके बेसन में उसे, और फिर डाला था कढ़ाई में, और ये तेल थोड़ा सा ना काला हो गया, क्योंकि मैंने एक बार सेक चुकी थी ऑलरेडी। और इसको ना एक बड़ा डालने के बाद आपको एक मिनट का वेट करना है,
क्योंकि जो बेसन है ना दो वड़ों का, वो चिपकेगा तभी नहीं, अगर वो चिपक जाएगा ना फिर आप वो थोड़ा सा फटने की वो हो सकता है कि वो फट भी सकता है आप उसे अलग करेंगे तो, मतलब ये आपको 1 मिनट डालो इस पर हल्की सी कोटिंग हो जाए। अब आपको इस तरीके से दूसरा वड़ा डालना है और मिर्ची की जो डंडी है वो बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। आप देखो ना डंडी से आप इसे पकड़ के बाद में खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे पहले वाले जो वड़े हैं वो सिक्के तैयार हो चुके हैं। आप हैवी देख रहे हो कितना हैवी लग रहा है, अच्छा खासा ये इतना टेस्टी लगता है ना, बिलीव मी यार बहुत टेस्टी लगता है। तो जब ये हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा कढ़ाई में, मैंने इसे इस तरीके से पलट दिया है, जब ये नीचे से सिक सिक जाएगा ना थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसे पूरा सेट कर दूँगी। तो ये था मेरा मिर्ची वड़ा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो यार, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग भी रहा है या नहीं। और मुझे ना बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना एक बार, मैं ये बोल रही हूँ रिक्वेस्ट करके कि इसे ना ट्राई ज़रूर करना एक बार आप लोग सब। इसको ना हम कढ़ाई में डालने के बाद 1 मिनट के लिए तो हम इसे तेज़ गैस पर सेकेंगे। और मैंने ना जो डिब्बा लिया वो बेसन का छोटा छोटा लिया है, और ये देखो मिर्ची की डंडी से पकड़ के हमने इसको डिप कर दिया। उसके 1 मिनट तक तो हम इसे थोड़ा सा छोटा सेकेंगे और मतलब हाई फ्लेम पर सेकेंगे। उसके बाद 1 मिनट के बाद ना हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर सेकेंगे, इससे टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा आएगा। और हल्का सा आप इसे तेल डाल सकते हैं इसके ऊपर इस तरीके से, और जब ये पूरा सिक जाएगा हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आप इसको पलट दीजिएगा। तो ये बहुत ही सही लगता है यार, मतलब इतना टेस्टी सिकता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और फिर इसको जब ये दोनों साइड से सिक जाए ना, आपको उसे थोड़ा ट्विस्ट कर करके आप इसे पलट सकते हैं। तो ये हो गया मेरी मिर्ची वड़े तैयार, और वरुण आ गए हैं सर्व करने के लिए। एक्चुअली वरुण को ना सर्विंग बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको ना सजा के सर्व करना ये सब बड़ा पसंद है, वो मुझे नहीं करने देते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इसका जो मेन टेस्ट आता है ना उसे आता है, आपको दही लेना है अच्छा खासा क्वांटिटी में, और दही में आपको ऐड करनी है थोड़ी सी सॉस, आप चाहो तो सौंठ भी ऐड कर सकते हो अगर सौंठ है तो। और इसके साथ ये वाली ना चटनी ऐड करनी है आपको, चटनी धनिए की, लहसुन की, हरी मिर्च की और टमाटर की। ये वाली जो चटनी का टेस्ट आता है ना, इस चटनी को दही को सॉस को मिक्स करना है आपको तीनों को एक साथ, उसके बाद आपको इसे खाना है यार। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार, इतना टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है लिटरली। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके बताना मुझको। और मैंने ना अभी बहुत टेस्टी सी डिश बनाई है, चटपटी सी, स्पाइसी सी इस टाइप की, तो आप लोगों ने देखी ली, मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और मुझे लगता है ना काफी सारे लोगों ने खाई होगी बट काफी सारे ने नहीं खाई होगी। तो जिसने नहीं खाई ना एक बार ट्राई करना आप उसे मेरे कहने पर यार, मतलब आप ना खुद कमेंट करोगे आगे मुझे कि यार क्या भाई है, मतलब इतनी अल्टीमेट लगती है। और आज मैंने करने ये वाले इयररिंग्स, और मैंने ना ब्राउनिश लिपशेड लगाया बट मुझे नहीं पता ये ऊपर अच्छा लगता है या नहीं लगता है मेरे ऊपर। तो पहले तो मैं खाती हूँ गर्म गर्म में ना, बातें करने में बहुत ज़्यादा लग गई। तो ये ना मैंने तैयार कर दिया, और ये दिखाती हूँ मैं आपको मिर्ची बड़ा, इसका जो नाम है ना ये मिर्ची बड़ा है। और क्या लग रहा है यार, ये क्या लग रहा है, मतलब इसको देख के यार आपको खाने का मन नहीं कर रहा है ना, मुझे भी ऐसा वाला। और ना मैं आपको दिखाती हूँ पूरा, ये ना मैंने दही सौंठ और चटनी तीनों मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से, और ये मैंने एक हाफ कर लिया है मिर्ची बड़ा। ये देखो इसके अंदर ना इस तरीके से मिर्ची मैंने इसको काट के हाफ कर लिया है, और एक ही लिया है। आप इसको ना एक बार खाना, और वो भी पता है खाना कैसे है, जस्ट आपको ये बड़ा उठाना है देन इसमें डिप करना है इस तरीके से, हो गया है। मिर्ची दिख रही ना, हम लोग फिर किचन में आ गए हैं, और मैं ना बना रही हूँ, मैं बना कुछ नहीं रही हूँ। मेरे पास ना ये मैंने दिन में बनाए थे और ना तहरी येलो वाले चावल जो होते हैं ना, तो वो रखी हुई है, वो मैं हल्की सी ना बस गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसमें मतलब मैं और वरुण उसमें ना पता क्या करने का मतलब कैसे खाने वाले हैं, उसमें ना हरी चटनी मैंने बनाई है लहसुन वाली जो बनाई थी। इसकी जो खुशबू आ रही है ना, हम दोनों पागल हो रहे हैं इसकी खुशबू से, हम लोगों को ना नींद नहीं आ रही है, मतलब इस खुशबू याद आ रही है बार बार। तो इसको गर्म करके ना इस पर चटनी डाल के, वाह। और हमारे जो शेफ हैं वो एक चीज़ और बना रहे हैं, वरुण बना रहे हैं क्या, वरुण ना अभी वरुण को मिर्च लग रही है। वरुण ना ये वाली जो मठरी होती है ना, आपको दिखाती हूँ, ये वाली जो मठरी होती है ना, इस वाली मठरी पर बारीक बारीक टमाटर काट के, बारीक बारीक प्याज काट के, इस पर ना दही डाल के, सोंठ डाल के, और सोंठ तो है नहीं बट सॉस डाल के, दही डाल के और चटनी डाल के हम लोग पापड़ी चाट टाइप कुछ बनाना चाह रहे हैं, वो बना रहे हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 1:30, अभी ना 1:30 बज रहा है, और हम लोगों को ना बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने 7 मतलब 7 तो नहीं, मतलब 8 बजे करीब ना वो खाए थे,
ब्रेड वो जो मिर्ची बड़ा बनाया था मैंने, तो हम लोगों ने 8 बजे करीब वही खाए थे। तो उसके बाद हम लगे ये बहुत तेज़ वाली भूख, पेट में कूद रहे हैं चूहे गपड़ गपड़। और हम लोग ना क्या देख रहे थे, हम लोग वो देख रहे थे, मैडम क्या देख रहे थे हम लोग अभी, कोटा फैक्ट्री। हाँ एक सीरीज है ना, हाँ एक सीरीज है, तो हम लोग कोटा फैक्ट्री वो देख रहे थे। उसको देख देख ना भूख लगी, और हम लोगों ने वो खाया था मिर्ची बड़ा। उसके बाद फिर ना मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, मतलब मेरा मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, अभी भी है बट अभी बहुत बेटर है। और वो यूट्यूब की वजह से ही कुछ हो रहा था, मतलब था कुछ यूट्यूब की वजह से मेरा ना थोड़ा मूड स्विंग हो रहा था। तो फिर हम लोग ना थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे घूमने के लिए, कुछ खाया नहीं, बस ऐसे ही बाहर गए और 15-20 मिनट घूमे और वापस आ गए। टमाटर सी 15-20 मिनट घूमे वापस आ गए। और फिर हम लोग ना ऐसे, अच्छा हम लोगों ने आके ना वो देखी थी बोल मूवी है ना, एक पाकिस्तानी फिल्म है बोल, आतिफ असलम की। तो उसको ना मैंने ना वो पहले देखी हुई है। एक बार टमाटर ऊपर रखा है, हाँ एक इसमें रखा होगा ऊपर टमाटर सी एक बार। तो अच्छा नहीं मैंने चटनी बना ली, और कोई देखू? हाँ तो ना एक आतिफ असलम की मूवी है बोल, तो मैंने पहले देखी हुई है। तो मैं ना वरुण से बोला हुआ था, काफी ना अच्छी मूवी है, डिफरेंट मूवी है थोड़ी सी। अगर आप लोगों में से किसी ने देखी तो मुझे कमेंट करना। तो मैंने वो पहले देखी थी, मैं वरुण से कह दिया वरुण इसको एक बार देखेंगे एक बार देखेंगे। तो हम लोगों ने इतना सर्च किया यूट्यूब पे, तो कहीं है ही नहीं वो। फिर मैंने उसे गूगल पे सर्च किया, तो मुझे ना उसका एक पार्ट मिला, और आधी मूवी देख के 43 मिनट्स या 45 मिनट्स की मूवी देख के खत्म हुई नहीं है। फिर हम लोग ऐसे टाइम पास करने लग गए, फिर हम लोगों ने ये सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया, तो बस वही देख रहे थे। और उसके बीच में भी हम लोगों को लग गई भूख, तो मैं यहाँ पर राइस गर्म करने आई थी, राइस और चटनी खाने वाले थे। तभी ख्याल आया अरे यार मटरी भी रखी है, मटरी चाट बनाते हैं। और भाई हमारे शेफ ना पूरे लगे पड़े हैं, अभी टमाटर काटो प्याज काटो ये वो चटनी। और ये मैंने ना उसके लिए दही पूरा फेंट दिया है ताकि उसमें लम्स ना हो, मतलब अच्छा लगे कि स्मूथ पेस्ट रहे। एक बार मेरा राइस चला देती हूँ, काफ़ी गर्म हो गए हैं। तो मेरे राइस हो चुके हैं पूरी तरीके से गर्म, और वरुण के भी डिश बन रही है। हमारे घर में क्या है कि मेरे को ना बनाने का शौक है चीज़ें, मतलब वरुण को भी है बट मुझे ना ज़्यादा बनाने का शौक है। वरुण को शौक है उसे डेकोरेट करने का, सजाने का। मुझे ना वरुण सजाने का डिपार्टमेंट नहीं देखता है, कहते हैं जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है बनाना वो बनाओ, सजाऊंगा मैं। अगर प्लेट भी लग रही है ना खाने की तो वो वरुण सजाएंगे, मुझे सजाने नहीं देंगे। नहीं 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 ये मेरा डिपार्टमेंट है। वरुण का ना शौक है कि प्लेट लगाना, ऐसे चटनी लगाना, सब्जी लगाना, ये लगाना, वो लगाना। अभी देखो हमारे ना पूरी सज रही है ये ऐसे वैसे। मैंने कहा यार जल्दी से बना लेते हैं थोड़ा बहुत चटनी वटनी सॉस डाल के। भाई नहीं, इसमें ना देखो क्या क्या पड़ा है, टमाटर प्याज पड़े हैं, इस पर वेराइटीज की नमकीन डल रही है, इस पर फिर दही डलेगा, सौंठ डलेगी। अब मैं कह रही थी जल्दी से ऐसे फटाफट वाला बना लेते हैं, बैठ के खाएंगे। नहीं वरुण के पास गया, मतलब ये देखो चावल गर्म हो गए। वरुण के पास गया मतलब पूरा भैया सज धज के आए गए वो सामान, मैंने सर्व कर लूँ पहले। तो ये रहा हमारा मिड नाइट डिनर, और देखो ये बनी है हमारी सेफ पूड़ी कह सकते हो इसे, या फिर आप इसे मतलब कुछ भी कह सकते हैं। इस टाइप की ना मटरी या पर पीसेस एक एक पीस, और उस पर हमने इस तरीके से ना सर्व किया ही चीज़ें। तो बस ये रहा डिनर, जल्दी से कर लेते हैं हम। तो कुछ भी हो जाए, कितने भी हैंगिंग्स हो जाए घर में, बट वरुण की जो टावल की जगह है ना वो केवाड़ा है। Hey guys, good morning। कल रात को ब्लॉग खत्म नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग सो गए थे, और यहाँ पे ना हो गई है ठंडी, आ गई है बारिश। मैं आपको वेदर दिखाती हूँ कितनी जल्दी चेंज हो गया है यहाँ का, और वेदर कितनी जल्दी चेंज हो गया ना, और ये फॉग वाला टाइप वेदर है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम लग रहा है। तो सुबह में उठी हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि ठंड ठंड आ गई है, वेदर बिल्कुल चेंज हो गया। और मैं आपको दिखाती हूँ अपने प्लांट्स, ये देखो प्लांट्स। और पता है क्या, मुझे ना ये मनी प्लांट बांधना है, और वरना सब पानी डाल के गए हैं, थोड़ा सा ना ज़्यादा डाल गए हैं। तो साजी भी सी है, एलोवेरा भी है, और यहाँ पे देखो गेंदे के फूल पे फूल आ ही रहे थे अच्छे खासे, ये देखो प्यारे प्यारे से फ्लावर्स। और पता है क्या, ये देखो ये ना छोटे छोटे 3 प्लांट्स है, ये सामने जो दीदी रहती है ना उन्होंने अपने रख दिए, क्योंकि ना उनकी बालकनी में धूप नहीं आती है, पीछे वाले साइड है, यहाँ पे प्रॉपर धूप आती है। ये मेथी के प्लांट है, तो उन्होंने यहाँ पे रख दिया है कि धूप आएगी तो यहाँ पे थोड़ी सी ना धूप रख जाएगी। तो बस ये हो गई हमारी छोटी सी बालकनी। और मैं पता है क्या करने वाली हूँ, जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती है ना कोल्डिंग वोल्डिंग वाली, उन सबको ना मैं रीयूज करने वाली हूँ। किस तरीके से, उन सब मैं ना प्लांट्स लगाने वाली हूँ, मैं हैंगिंग वाले उसको हैंगिंग बनाने वाली हूँ प्लांट्स लगा के। तो यही सब करेंगे। और अभी हो रही है सुबह, वरुण चले गए हैं ऑफिस, मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी है अभी तक। वेदर ना ठंडा हो गया, मतलब ठंड आ गई है, और मैं आज निकालूंगी विंटर्स वाले कपड़े, उनको एक बार इजी में वॉश करूंगी, धूप लगाऊंगी और तैयार करना शुरू कर दूंगी। अब वेदर चेंज हो चुका है। चलो फिर इस वाले ब्लॉग का मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।